हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सबसे पहले तो हम लोगों ने टर्म देखी हुई है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? किसी भी चीज को रिप्लेस करना, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। अब इसी के हिसाब से हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। न्यूक्लियोफिलिक, अगर हम लोग एक एटम अगर देख रहे तो वहां पर हम लोग को न्यूक्लियस क्या शो करता है? ये शो करता है कि सेंटर वाला जो पार्ट है एटम का वो दिखाता है। तो उससे हम लोग थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जो दोनों चार्ज दिखा सके या फिर एक कोई भी चार्ज दिखा ले, ठीक है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसी के बारे में हम लोग को भी डिस्कस करना है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखते हैं। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या दिया है, वो नाम दिए गए। SN2 बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 एंड SN1 बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। ओके, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन से। क्यों? अब उसके रीजन हम लोग पढ़ते पढ़ते देखेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने SN2 रिएक्शन की बात किया, तो ये रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो हैलाइड रिएक्ट करवाने वाले, इसके साथ अल्किल हैलाइड रिएक्ट करवाने वाले, दैट इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसलिए इसको प्राइम, हम लोगों ने ये भी बोला है, बोल सकते हैं SN2 बोला गया, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। सो अब रिएक्शन देखते हैं। अगर मैंने प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोला तो एक मैं कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे HHH, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे आइडेंटिफाई करें। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ओके। जब अगर एक कार्बन के पास, ओके, कार्बन के पास एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है और अगर उसके साथ एक रेडिकल भी मिलती है हम लोगों को या दिखती है, दैट इज अ प्राइमरी। और फिर से अगर एक रेडिकल बढ़ गई, मतलब दो रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी। और अगर तीन रेडिकल बढ़ गई, मतलब टर्शियरी। सिंपली जितनी रेडिकल उतने हम लोग उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोलते जाते हैं। तो याद रखना ताकि हम लोग ये कंसेप्ट हर बार पता रहे। सो देखते हैं हम लोग आगे, यही रिएक्शन SN2 की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, अब थोड़ा सा ये रिलेटेबल है। ओके, यस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो SN2 में हम लोग देखते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंपल एक ही स्टेप दिखेंगी। SN1 में हम लोग को दो स्टेप देखना है। ओके, सो अब होगा क्या, जब मैं इसको इसके साथ अगर रिएक्ट कर रहा हूं, मतलब क्या नाम होगा इसका, अल्किल ब्रोमाइड को, दैट इज अ मिथिल ब्रोमाइड को अगर मैं रिएक्ट करा OH- दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। देखो, अगर मैंने ग्रुप की अगर बात किया, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है, -2 है ना, उस हिसाब से इसके चार्ज क्या आ गए, OH- बड़े नंबर का साइन लाइक दिस। ओके, उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को OH- दोनों ग्रुप कंबाइन मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। ओके, देखो, देन जब ये रिएक्ट होते हैं तो ये कुछ रिएक्शन बनती है इस प्रकार से। पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे हम लोग क्या दिख रहा है, जिसमें धीरे धीरे OH पास आते जा रहा है और धीरे 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 BR दूर होते जा रहा है। ओके, थोड़ा सा याद रखना, ये जो स्टेप है या जो मैं बना रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट, ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वाल्डन। ओके, वाल्डन साइंटिस्ट जो है, इन्होंने बताया है कि जब ऐसी कोई स्टेट दिखाता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो हम लोग ये जो पेंटाकॉर्डिनल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है या जो अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोला मैंने, ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाल्डन इन्वर्जन अकॉर्डिंग टू वाल्डन। ओके, तो देखो, अब रिएक्शन हम लोग इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिंपली व्हाट इज बीआर, बीआर इज अ एक्स। ओके, कंसीडर करो मैं ऐसा किसी, क्या बोलते, किसी जले हुए आशिक को टॉर्चर नहीं कर रहा, टोन नहीं मार रहा हूं, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ओके, अब जैसे कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं बीआर क्या है, एक्स है। जैसे जैसे लाइफ में एक्स बाहर जाते गई है, वैसे वैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, OH आ रहा है। व्हाट इज OH, OH हम लोग जनरल देखते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मूला है, मतलब एंट्री किसकी भी है, अल्कोहल की एंट्री भी है। जैसे एक्स एक्स जा रही है, वैसे वैसे अल्कोहल की एंट्री हो रही है। बट इट्स फॉर, ऐसे तुम लोगों को याद रखने के लिए एग्जांपल है, ये तुम लोगों को लागू नहीं करना है। ओके, सो क्या बोला मैंने, जैसे जैसे एक्स के बाहर गई, वैसे वैसे OH आया, OH आई, ठीक है, दैट इज अल्कोहल।
सो तो ये आगे क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा कुछ इस प्रकार से, गॉट इट? ठीक है, तो इसी जो ये जो कंपाउंड हम लोग को मिल रहा है यहां पे, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपली क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, खुद की जगह बनाने के लिए उसने बीआर को क्या कर दिया, हटा दिया, एक्स को हटा दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ एसएन2 रिएक्शन। सिंपली क्या हुआ, मिथिल ब्रोमाइड ट्रीट हुआ है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप के साथ, और उसने बनाया ट्रांजिशन स्टेट, और फिर बाद में जो मिली हम लोग को स्टेप, वो मिली हम लोग को मिथिल अल्कोहल। गॉट इट, रिएक्शन याद रखना अकॉर्डिंग टू बोर्ड, दिस इज आईएमपी पार्ट, ओके। तो एसएन2 रिएक्शन में सिर्फ हम लोग को एक ही रिएक्शन, एक ही स्टेप मिलेंगी, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट में मैंने जो ये बताया है तुम लोगों को, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ वार्डन इन्वर्जन, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं जनरली, तो याद रखना। दूसरा, यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो OH जो है, OH क्या कर रहा है, बैकसाइड अटैक कर रहा है ना, ये कार्बन का क्या है, ये कार्बन का बैक साइड है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब OH आ रहा है, मतलब वो कैसे करते हुए आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आर अटैक ऑन द बैक साइड ऑफ द कार्बन, ओके। क्या बोला मैंने, बैक साइड में अटैक कर रहा है। एंड ये जो कार्बन हम लोग दिख रहा है, इसको क्या बोला है मैंने, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन, कौन सा, पेंटा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि ये जो हम लोग को SN2 रिएक्शन है ये मिलती है, ठीक है। एंड देन एक चीज हम लोग भूल गए इसमें, दैट इज अ रेट। अब रेट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा, जो चीज हम लोग ने रिएक्टेंट में यूज की है दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। कंपेयर करते थोड़ा सा, अगर मैं किसी भी चीज का अगर रेट अगर बोल रहा हूँ जनरल लाइफ में, ठीक है, जैसे कि फिलहाल मैं पेट्रोल की बात कर लेते हैं यार, पेट्रोल अगर 106 रुपए लीटर है तो मुझे, मैं उसका रेट कब दे पा रहा हूँ, जब मुझे पेट्रोल उतना मिल पा रहा है तब, यानी जो रिएक्टेंट है वो दे पा रहा हूँ तब जाके मैं उसके रेट की बात करूंगा। इसलिए हम लोग रेट में क्या लिखते हैं, हम लोग रेट में लिखते हैं रिएक्टेंट वाली साइड, दैट इज क्या है ये CH3Br, ओके, एंड देन OH-, गॉट इट, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SN2 रिएक्शन फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में SN1 रिएक्शन के साथ, थैंक यू।